गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, कल मैंने आपको ट्रांसलेशन में 146 से लेकर 160 तक की वर्ब्स लर्न कराई थी ना. आज हम वन बाय वन उनके ऊपर सेंटेंसेस पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट वर्ब है बच्चों लिफ्ट. क्या है पहली वर्ब? लिफ्ट. लिफ्ट मीनिंग क्या होता है? उठाना. लिफ्ट मीन्स उठाना. जैसे देखिए, लिफ्ट द बॉक्स, बॉक्स को उठाओ. लिफ्ट द बेबी, बच्चे को उठाओ. हेल्प मी टू लिफ्ट दिस टेबल, मतलब मेरी मदद करो. क्या करने में? उठाने में. किसको? इस टेबल को. इस टेबल को उठाने में मेरी मदद करो. तो मतलब अगर आपको कहीं भी हिंदी में उठाना वर्ड यूज़ करना है तो आप इंग्लिश में उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? लिफ्ट. ठीक है, उठाना. जैसे ही लिफ्टेड मी, उसने मुझे उठाया. तो लिफ्ट मीन्स होता है उठाना. LIFT, लिफ्ट मीन्स उठाना. ओके, नेक्स्ट काम, CALM. काम मीन्स होता है शांत करना. काम मीन्स शांत करना. जैसे हमने किसी से बोला काम डाउन, मतलब शांत हो जाओ. मदर काम हर बेबी, जो मदर है वो मदर काम्स, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? मदर काम्स हर बेबी, मतलब जो मदर है वो अपनी बेबी को क्या करती हैं? शांत करती हैं. ठीक है, काम योर सेल्फ, खुद को शांत करो. जैसे आप बहुत गुस्से में हो तो कोई कहता है ना आपसे, खुद को शांत करो, काम योर सेल्फ. ठीक है, तो काम मीन्स होता है शांत करना. जब हम किसी को शांत करने के लिए कहते हैं, शांत हो जाओ, या शांत करते हैं, इन दैट प्लेस वी यूज दैट वर्ब, दैट इज काम, CALM, काम. ओके, नेक्स्ट टेंड, TEND. टेंड मीन्स होता है रुक होना. देखिए, ही टेंड्स टू बी वेरी सीरियस मोस्ट ऑफ द टाइम. देखो, टेंड मीन्स होता है जब कुछ होता है या कुछ करना होता है ना, कुछ होना या कुछ करना, तो उसके लिए भी हम टेंड का यूज़ करते हैं. जैसे देखिए, ही टेंड्स टू बी वेरी सीरियस मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब वह ज़्यादातर समय सीरियस रहना, है ना, सीरियस होना हो जाता है, मतलब वो ज़्यादातर समय सीरियस रहता है, गंभीर हो जाता है. शी टेंड्स टू बी नर्वस बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. जैसे आप ये बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि स्टेज पर परफॉर्मिंग करने से पहले वो क्या हो जाती है? नर्वस हो जाती है. तो जब कोई काम हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ करना होता है, तो उसके लिए भी हम टेंड वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, TEND, टेंड. ठीक है, या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई एक पौधा है ना, एक पौधा है, उसमें पत्तियां हैं, और क्या होता है, जैसे ये सूरज है यहाँ पर, है ना, सूरज है ये, तो ये जो सूरज है इसकी तरफ ये सारी पत्तियां आ जाती हैं. ये जो पत्ती है ये भी अपना रुख कहाँ बदल लेगी? ये यहाँ आ जाएगी, है ना, अपनी डायरेक्शन बदल लेगी. तो इसके लिए भी हम टेंड वर्ब का यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर हम इसको सेंटेंस को बोलना है तो हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे? टेंड. ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? टेंड मीन्स होता है रुक होना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. नेक्स्ट ऑनर, ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मानित करना. ऑनर मीन्स सम्मानित करना. जैसे देखिए, अ पार्टी इज ऑर्गेनाइज टू ऑनर हिम, मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, क्यों? उसे सम्मानित करने के लिए. जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम किया तो उसे सम्मानित करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई. ही वॉज ऑनर्ड विद अ प्राइज, मतलब उसको एक प्राइज के साथ सम्मानित किया गया. द प्रेसिडेंट ऑनर्ड हर, प्रेसिडेंट ने उसे सम्मानित किया. जैसे मेडल देकर सम्मानित किया, या फिर कोई भी हम शील्ड देकर, ट्रॉफी देकर क्या किया? सम्मानित किया. किसने? प्रेसिडेंट ने. तो ऑनर वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं ना सम्मानित करना. तो ऑनर मीन्स सम्मानित करना, HONOUR, ऑनर मीन्स सम्मानित करना. नेक्स्ट अक्वायर, अक्वायर मीन्स क्या होता है? हासिल करना, कुछ भी प्राप्त करना. ठीक है, जैसे ही अक्वायर्ड फ्रेंच क्विकली, मतलब उसने फ्रेंच बहुत ही तेजी से हासिल कर ली, प्राप्त कर ली. शी एक्वायर्ड गुड एजुकेशन फ्रॉम कॉलेज, मतलब उसने कॉलेज से अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, हासिल की. आई एक्वायर्ड मैनी न्यू फ्रेंड्स, अब जैसे आप कहीं गए, कहीं आप स्कूल में सपोज जाते हैं, आप स्कूल, तो आप कितने सारे न्यू फ्रेंड्स
हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, मतलब आपके कितने सारे न्यू फ्रेंड्स होते हैं। तो आई एक्वायर्ड मैनी न्यू फ्रेंड्स, मतलब मैंने कई नए दोस्त प्राप्त किए, मतलब हासिल किए, ठीक है, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। तो एक्वायर मीन्स होता है बच्चों हासिल करना, हासिल करने का मतलब है प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट रेमेडी। रेमेडी मीन्स होता है बच्चों उपचार करना। रेमेडी मीन्स उपचार करना। जैसे देखिए, आई एम ट्राइंग टू रेमेडी द प्रॉब्लम, मतलब मैं समस्या का उपचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी कैन रेमेडी द मिस्टेक दैट वी हैव डन, मतलब हम उपचार कर सकते हैं किसका, उस गलतियों का, मिस्टेक्स का, दैट वी हैव डन, जो हमने की है, मतलब जो गलतियाँ हमसे हुई हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेमेडी मीन्स क्या होता है बच्चों, उपचार करना। REMEDY, रेमेडी मीन्स उपचार करना। नेक्स्ट है वर्ब नॉक। नॉक मीन्स होता है बच्चों दस्तक देना, मतलब किसी का दरवाजा खटखटाना। नॉक मीन्स दस्तक देना या फिर दरवाजा खटखटाना। जैसे देखिए, टॉम नॉक्ड लाउडली, मतलब जो टॉम ने बहुत तेजी से, लाउडली मतलब बहुत जोर से, तेज आवाज में उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। नॉक बिफोर कमिंग इन, मतलब अंदर आने से पहले आप क्या करें, नॉक करें, मतलब हम सुने कि अंदर आने से पहले हमें भी किसी भी रूम के अंदर हम जाते हैं तो पहले हमें खटखटा के एक बार पूछ लेना चाहिए, दस्तक दे देना चाहिए कि हम अंदर आ सकते हैं या नहीं। समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैंने कहा जाओ, समवन इज नॉकिंग द डोर कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो नॉक मीन्स होता है दस्तक देना, KNOCK, नॉक मीन्स दस्तक देना या फिर दरवाजा या फिर खटखटाना। किसी भी चीज़ को हम खटखटाते हैं तो उसके लिए हम नॉक वर्ड यूज कर सकते हैं, खटखटाना। ओके, नेक्स्ट लाई इन। तो बच्चों लाई इन का मतलब होता है निहित होना। लाई इन का मतलब है निहित होना। तो देखिए, लाई इन का मतलब होता है निहित होना। निहित होने का मतलब है कोई चीज़ कहीं पर स्थापित है ना, वहाँ पर लाई करती है, वहाँ पर स्थापित है, तो उसके लिए हम लाई इन वर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे इट लाइज इन द वेस्ट, ये वेस्ट में स्थापित करता है, स्थापित करने के लिए, मतलब वहाँ पर वो है, मैंने कहा ना जैसे कहीं पर कोई चीज़ है तो हम कहते हैं वो उसके अंदर लाई करती है, लाई इन। तो इट लाइज इन द वेस्ट, मतलब ये वेस्ट में लाई करता है। अगला देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के नॉर्थ में लाई करता है। इंडिया के नॉर्थ में क्या करता है, लाई करता है, मतलब इंडिया के नॉर्थ में कौन है, कहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है, स्थित कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में, ठीक है। तो लाई इन मतलब होता है निहित होना, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ जो वेस्ट बंगाल है वो कहाँ पर है, इंडिया के ईस्ट में लाई करता है। तो वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ओके, आई बात समझ सभी बच्चों को। तो लाइज इन का मतलब होता है निहित होना, इसका मतलब स्थापित होना। ओके, नेक्स्ट एनहांस। एनहांस मीन्स होता है बढ़ाना। एनहांस मतलब बढ़ाना, उसको फैलाना, बहुत बड़ा करना, बढ़ाना। देखिए, जैसे वी शुड एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हम बोलते हैं ना एनहांस योर नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। एनहांस योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एनहांस बढ़ाओ। एनहांस द फ्लेवर ऑफ द सूप, इस सूप का फ्लेवर एनहांस करो, बढ़ाओ। एनहांस योर नॉलेज, एनहांस योर एबिलिटी टू डू वर्क्स, है ना। एनहांस योर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि दैट दिस प्रोडक्ट एनहांसेस योर एबिलिटी, ये प्रोडक्ट आपकी एबिलिटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। तो एनहांस मीन्स बढ़ाना, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कुछ पाउडर्स वगैरह जो होते हैं, कुछ सिरप्स होते हैं, हमारी एबिलिटी को टू डू वर्क, हमारी क्षमता को क्या करते हैं, एबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो एनहांस करते हैं वो, एनहांस मीन्स बढ़ाना, ई एन एच ए एन सी ई, एनहांस मीन्स बढ़ाना। नेक्स्ट एक्साइट, एक्साइट मीन्स होता है बच्चों जोश में लाना, किसी को हम जोश में लेकर आए तो एक्साइट करें उसे, तो एक्साइट मीन्स जोश में लाना। जैसे देखिए, आर यू एक्साइटेड, क्या तुम जोश में हो, क्या तुम उत्सुक हो, जोश में हो। हिज प्लेइंग एक्साइट्स अस, मतलब हर सॉरी मतलब उसका खेलना उसे जोश में लाता है। जैसे मैंने कहा मेरा खेलना उसे जोश में लाता है, अगर मैं खेलती हूँ तो उस मेरे को देखकर, मुझे देखकर उसे भी खेलने का मन करता है, उसे भी उसके अंदर भी जोश आ जाता है। शी इज ट्राइंग टू एक्साइट अस, वह हमें जोश में लाने की कोशिश कर रही है, कि हमें एक्साइट करने की कोशिश कर रही है। तो एक्साइट मीन्स जोश में लाना, एक्साइट मीन्स जोश में लाना। नेक्स्ट ग्रोन, ग्रोन मीन्स क्या होता है बच्चों, ग्रोन मीन्स होता है कराहना, मतलब तड़पना। जैसे देखिए, ही ग्रोन्ड विद पेन, मतलब वो दर्द के साथ तड़पा। ही ग्रोन्ड व्हेन ही सॉ द बिल, मतलब उसने जब बिल को देखा कि इतना ज्यादा बिल, तो वो क्या हो गई, तड़प गई, मतलब अंदर उसके वाइब्रेशन चालू हो गए। डोंट ग्रोन, तड़पो मत। द चेयर ग्रोन्ड अंडर हिज वेट, क्या हुआ, जैसे कोई हैवी पर्सन है, उसका वेट ज़्यादा है और वो चेयर पे बैठ गया, तो आपने देखा ना थोड़ी चेयर टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है और आवाज़ आती है उसमें से, तो ये वही है। तो ग्रोन मीन्स होता है तड़पना, ठीक है, जी आर ओ ए एन। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है बच्चों पबिल्डर, पबिल्डर मीन्स होता है हक्का वक्का कर देना, पबिल्डर मीन्स हक्का वक्का कर देना, किसी को बहुत आश्चर्यचकित कर देना, कंफ्यूज कर देना, हक्का बक्का कर देना। जैसे देखिए, ही वॉज बविल्डर्ड बाय हिज डॉटर्स रिएक्शन, मतलब वो अपनी बेटी का रिएक्शन देखकर, वह अपनी बेटी का रिएक्शन देख के क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का हो गया। शो सो मैनी क्वेश्चंस बविल्डर मी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे क्या करते हैं, हक्का बक्का कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मैथ्स के क्वेश्चन देख, आप लोगों ने बोला कि मैथ्स के क्वेश्चन देख कर क्या होता है, आपको हक्का बक्का हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बविल्डर हो जाते हैं। बविल्डर मीन्स हक्का बक्का कर देना। द बिग सिटी बविल्डर द ओल्ड वुमेन, जो बड़ी सिटी है, बहुत बिग सिटी है, उसने क्या किया, ओल्ड वुमेन को हक्का बक्का कर दिया। जैसे आपने, आप बहुत दूर गए और आपने मतलब जो चीज़ कभी नहीं देखी है और अचानक से आप देखें, तो आप हक्का बक्का नहीं रह जाते, कंफ्यूज, और आप बहुत शॉक्ड से हो जाते, वाओ कितनी सुंदर है ये। तो इस तरीके का जब बोलते हैं कि हक्का बक्का कर देना या हक्का बक्का हो जाना, उसके लिए हम बविल्डर यूज़ करते हैं। जैसे देखिए क्या है ना इसमें, कि उस कई क्वेश्चंस ने उसको हक्का बक्का कर दिया, बिग सिटी ने ओल्ड वुमेन को क्या कर दिया, हक्का बक्का कर दिया, तो हक्का बक्का कर देना। ओके, वी ई डब्ल्यू आई एल डी ई आर। आगे बढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट है वेल, डब्ल्यू ए आई एल, वेल मीन्स होता है दुकड़ा रोना, मतलब कोई जैसे बहुत विलाप करता है, बहुत जोर जोर से रोता है, तो वहाँ पर हम वेल वर्ड यूज़ करते हैं। बहुत तेज कोई रोता है, जैसे देखिए, द वुमेन बिगेन टू वेल, जो वुमेन थी वो क्या करने लगी, वेल करने लगी, अपना दुकड़ा रोने लगी, बहुत जोर से विलाप करने लगी। शी वॉज वेलिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, मतलब उसका बच्चा खो गया, तो अब बच्चा खो गया है उसका किसी उनका, तो वो बहुत तेज रोएंगी, तो वहाँ पर हम क्राइंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर वेल वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तड़प तड़प के मतलब बहुत अपना दुकड़ा रो रही हैं, दुख को प्रकट कर जब रोते हैं कोई, दुख को प्रकट करते हुए, तो वहाँ पर हम वेल वर्ड यूज़ करते हैं, डब्ल्यू ए आई एल, वेल मीन्स दुकड़ा रोना। स्मॉल चाइल्ड इज वेलिंग बिकॉज शी इज हंग्री, जो छोटी बच्ची है वो क्या कर रही है, रो रही है, विलाप कर रही है, क्योंकि वो भूखी है, वो भूखी है, इसलिए छोटी बच्ची क्या कर रही है, विलाप कर रही है। तो वेल मीन्स दुकड़ा रोना या फिर विलाप करना बहुत जोर जोर से। ओके, डब्ल्यू ए आई एल। आगे बढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट फ्लैप, एफ एल ए पी, फ्लैप मीन्स होता है बच्चों फड़फड़ाना, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। जैसे देखिए, द लिटिल बॉय वॉज फ्लैपिंग हिज आर्म्स,
जो छोटा बच्चा था, तब वो अपने आर्म्स को मतलब अपने हाथों को क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, मतलब हाथों को हिला रहा था। देयर इज नो नीड टू फ्लैप, फड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स वर फ्लैपिंग द विंग्स, जो चिड़ियाँ हैं वो अपने पंखों को क्या कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, मतलब अपने पंखों को हिला रही हैं। तो फड़फड़ाना मीन्स हिलाना, मतलब ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, FLAP, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। नेक्स्ट रश, ये आपकी लास्ट वर्ब है, 160 नंबर पे है। रश, रश मीन्स होता है, पता है सभी को क्या होता है, तेजी से दौड़ना। रश मीन्स तेजी से दौड़ना। देखिए क्या है, डोंट रश, तेजी से मत दौड़ो, मत भागो, टेक योर टाइम, अपना समय ले लो। मतलब हमने किसी से कोई बात कही और उसने उस बात को सुनते ही बहुत जोर से वो भागने लगा कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हमने उसे बोला कि भागो मत, टेक योर टाइम, अपना समय ले लो, सोच लो, तब मुझे रिप्लाई दे देना। टॉम रश्ड इनटू द ऑफिस, जो टॉम है वो ऑफिस की ओर मतलब बहुत तेज भागा। हियरिंग द रोर शोल्डर्स रश्ड आउट, मतलब दहाड़ सुनकर, सपोज बाहर कोई शेर है, शेर की बहुत तेज दहाड़ आई, तो दहाड़ को सुनकर जो वहाँ के शोल्डर्स थे वो बाहर आए, मतलब तेजी से बाहर आए, तेजी से बाहर दौड़कर आए। तो रश मीन्स होता है तेजी से दौड़ना, RUSH, रश मीन्स तेजी से दौड़ना। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो बच्चों अब यहीं पर आपकी 160 तक वर्ब्स फिनिश होती हैं। नाउ इट्स योर होमवर्क, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और ये समझिए कि हम इन वर्ब्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं या किस प्लेस पर इन वर्ब्स को हम परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं ये शब्द बोलने हैं तो हम यूज़ कैसे करें, हम याद तो कर लेते हैं शब्दों को बट उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम उसे कैसे सेंटेंसेस में या फिर हम कहाँ पर इस्तेमाल करें। तो आप इन वीडियोस से समझ सकते हैं कि आप उनको कैसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, आप खुद बनाने की कोशिश करें, उनको समझिए और वर्ब्स को लर्न कीजिए। आई बस हमने सभी बच्चों को, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।